तो फ्रेंको अम्ब्रोनोज इंटरनेशनल के अंदर आपका स्वागत है। यहाँ पर कॉम्पटेन प्लस का कोर्स मैं आगे चला रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया था कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क किस तरह से इसके कंप्यूटर के अंदर हिस्ट्री मैंने आपको समझाई थी। साथ ही मैंने आपको नेटवर्क का डायग्राम छोटा सा समझाया था। टॉपोलॉजी क्या होती है, टॉपोलॉजी मैंने आपको समझाई थी। टॉपोलॉजी पॉइंट टू पॉइंट टॉपोलॉजी क्या होती है, इन सबको मैंने आपको समझाया था। इसके अलावा मैंने आपको समझाया था कि IGMP करोड़ कोर्स वगैरह समझाया था। नेटवर्क के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ राउटर्स के बारे में समझाया था। ओके, तो हम जो कनेक्शन करते हैं या फिर हम जो लैन कनेक्टिविटी या फिर बहुत सारे जो हमारा कनेक्शन करते हैं नेटवर्क की कनेक्टिविटी के लिए, तो हमारा मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि स्विच के अंदर जो कनेक्टिविटी हो रही है वो दूसरे कनेक्शन के अंदर हमें कनेक्ट करना है, तो हमें चाहिए होता है राउटर। ओके, उसके साथ हम ट्रैफिक मॉनिटरिंग भी बहुत सारी चीज़ें, और जहाँ पर भी हमारा कनेक्शन होगा अच्छा होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको लैन कैसे क्रिएट करना है मैं आपको समझाया था। ओके, और इस तरह से जो केबलिंग करते हैं तो बहुत ही डैमेज मतलब की प्रॉब्लम वाला कनेक्शन होता है। तो इसी में जो है अच्छा कनेक्टिविटी बेस्ट तरीके से कनेक्टिविटी होगी, क्लियर होगी, तो आपको अच्छी तरह से मेंटेन करने में इजी रहेगा। बेस्ट से बेस्ट कनेक्टिविटी के साथ साथ आपका अच्छा लैन भी दिखाई देगा और काफ़ी साफ सुथरा रहता है यहाँ पर। ओके, क्योंकि हर तरह से हर जगह से आपका जो कनेक्टिविटी या कनेक्शन देखिए तो नेटवर्क इंजीनियर को काफ़ी इजी रहता है ट्रबल शूटिंग करने के लिए बेस्ट से बेस्ट तरीके से। और फिर बाद में फाइबर ऑप्टिकल की बात करें, फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम की बात करें, तो मैंने आपको समझाया था कि फाइबर कोर क्या है, फाइबर टेक्नोलॉजी क्या है। ओके, मैंने आपको समझाया था सर्वर, जब हम सर्वर की रैक बनाते हैं तो सर्वर कैसे होता है, किस तरह से बनते हैं। और मैंने जाना था ऑलमोस्ट आपको कहा था कि अगर आपको बनाना था आपको पहले सभी जगह से जहाँ जहाँ कनेक्शन करने हैं उसके सभी की आपको कनेक्शन आपको जो है बनाने मतलब वायरिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम जो है डेटा सेंटर्स का काम शुरू करते हैं आप लोग। तो कनेक्टिविटी जहाँ पर आती है तो इसके अंदर पोर्ट क्या होता है, एसमोन क्या होता है, सब कुछ जो है सेटिंग्स हम करते हैं आप लोग। फिलहाल तो हमारा जो है कॉन्सेप्ट जो चल रहा है हमारा वो हमारा राउटर का चल रहा है, राउटर क्या है। ओके, तो राउटर के बारे में कुछ समझाया था, राउटर डिवाइस क्या है, AU एक्सपोर्ट के बारे में समझाया था, AU एक्सपोर्ट क्या होता है। तो ये AU एक्सपोर्ट टेक्नोलॉजी की मैंने वन बाय वन समझाया था। NIM स्लॉट क्या होता है, NIM स्लॉट की टेक्नोलॉजी मैंने पिछली वीडियो के अंदर समझाई थी। NIM स्लॉट टेक्नोलॉजी कैसे आई और इसको किस कंपनी ने बनाया मैंने आपको पिछली वीडियो बताया था। ओके, तो ये जाकर देख लीजिए। और NIM जब हम सिस्टम बनाते हैं तो हमें जो है राउटर जो होता है वो चेंज करने का एक हमें स्पेसिफिक ऑप्शंस मिलता है, एक कि हम राउटर को कौन सी चीज़ से बनाना होता है, किस तरह से बनाना होता है। कहने का मतलब है कि हम फाइबर भी राउटर बना सकते हैं, हम दो चार पोर्ट का भी बना सकते हैं, दो पोर्ट का भी बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका राउटर जो है सिस्को का किस तरह से आप लेते हो। तो इस तरह से हमें जो है सिस्को एक बेनिफिट हमें फीचर्स मिलता है और फैसिलिटीज हमें मिलती है, इससे हम अपने तरीके से कस्टमाइज करके इसको यूज़ करते हैं। तो NIM का क्या होता है, किस तरह का होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया था। और अगर आप किसी का भी NIM कार्ड आप लेते हो या ऑर्डर करते हो तो पहले ध्यान में रखना कि कौन से कंपनी का, अगर सिस्को का है तो सिस्को का कौन से मॉडल का आपको NIM कार्ड लेना है। ओके, तो NIM कार्ड लेने से पहले आपको सभी तरह से नेटवर्क की मैपिंग कर लेनी है, कनेक्शन कर लेने हैं, देख लेने हैं कि कौन सा मुझे नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है। और जब हम NIM कार्ड लगाते हैं तो पूरी ध्यान से लगाना होता है, इसको डैमेज ना हो इस तरह से। ओके, तो ये इस तरह से NIM पकड़ना है और फिर आपको ये नोच दे सकते हैं, इस तरह से कॉर्नर को मैच करना है यहाँ पर अपने इस तरह से। ओके, और धीरे से हल्का सा हाथ से आपको लगाना है, फिर आपको प्रेस करना है इसको, इसको जो है प्रेस करना है। ओके, तो फिलहाल मैंने पिछले में बताया था कि मुझे सिर्फ दो ही पोर्ट चाहिए होता है कि इथरनेट टेक्नोलॉजी के, तो मैंने आपको समझाया था। और फिर मैं इसको जो है क्लोज करूँगा, उसको मैंने आपको ये भी
बताया था। तो ऐसे में ये जो है हमारा राउटर जो है कैसे किस चीज़ को हमें देता है, क्योंकि हमें हमारे राउटर कनेक्शन या फिर कनेक्टिविटी ये मॉड्यूलर राउटर में ही मिलता है, और इसको मॉड्यूलर राउटर ही हम बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको समझाया था। ओके, तो आज हमारा जो है राउटर का मेन वर्क क्या होता है, किस तरह का होता है, ये हम आज पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरह की ये राउटर की मेन ऑफ वर्किंग और इसकी प्रोसेसिंग होती है। ओके, तो सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो हम आज हम शुरू करते हैं इसी टॉपिक को। ओके, तो व्हाट इज़ अ राउटर ऑफ मेन वर्क, राउटर का मेन क्या मेन काम क्या होता है, ये आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मेरे ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे, यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर के कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर नेटवर्क सॉफ्टवेयर यहाँ तक कि एडवांस टिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितने भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आप स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कॉन्टैक्ट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए, यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कम्प्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर, विंडो 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप जैसे थे कि एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी लिखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडो बेसिक्स से। ओके, विंडो 7 बेसिक्स, अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडो 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो तो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड
इसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया आप। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है ध्यान से होगी। और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेडे लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्यून है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा, ओके। तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो, ओके। तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ, तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर, ओके। तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट आपकी जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर, ओके। तो जितने भी प्लेलिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए, ओके। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो अगर आपके पास पहले से बेसिक काम होना चाहिए, तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा, ओके। तो बेसिक से शुरुआत कीजिए अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है, ओके। तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके, ओके। और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके उनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, ओके। और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए, ओके। तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो हम बात करते हैं राउटर की मेन वर्क के अंदर। जो राउटर हम बात करते हैं तो राउटर जो है वो नेटवर्किंग डिवाइस है, और वो क्या करता है, कनेक्ट करता है कंप्यूटिंग डिवाइसेस के अंदर। कंप्यूटिंग मतलब कि कनेक्शन जो होता है वो हमारा कनेक्टिविटी कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर कनेक्टिविटी करता है, ये चीज़ होता है। दूसरा कि नेटवर्क और दूसरे नेटवर्क के राउटर के अंदर भी कनेक्ट करने के लिए हम राउटर यूज़ करते हैं, आपको ये समझा दिया था। राउटर के जो फंक्शन खास तरह के मतलब कि तीन बहुत बड़े काम होते हैं। राउटर प्राइमरी सर्व थ्री मेन फंक्शन, ओके। तीन बहुत बड़े मेन राउटर के काम होते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। अगर इसने अगर ये चीज़ आपने समझ ली तो समझ लो कि राउटर के जितने भी फंक्शंस वगैरह जो है समझ लोगे आप, ओके। तो यहाँ पर राउटर की हम बात करते हैं तो राउटर देख सकते हो कि बहुत सारे आपस में कनेक्शन किए हुए हैं यहाँ पर, बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क, जैसे कि नेटवर्क ए चल रहा है, नेटवर्क बी चल रहा है, नेटवर्क सी डी कोई भी चल रहा है यहाँ पर, कोई दिल्ली में चल रहा है, कोई आपको मुंबई में चल रहा है, कोई महाराष्ट्र में, राजस्थान में, कहीं पर भी चल रहा है। हर राउटर जो है पैकेट के थ्रू मतलब डेटा को हम डेटा बोलते हैं, लेकिन राउटर की और नेटवर्क की भाषा में उस डेटा जो जाता है वो एक जगह से दूसरी जगह पर उसको कहते हैं हम पैकेट, ओके। तो राउटर जो होता है वो पैकेट जो होता है वो एक दूसरे के अंदर सेंड करता है, एक दूसरे नेटवर्क के अंदर सेंडिंग रिसीविंग वगैरह काम करने का काम करता है। तो इसके तीन बहुत बड़े मेन फंक्शन के कारण ही राउटर जो है मेन ये काम कर पाता है। तो पहला है पाथ डिटर्मिनेशन, ओके। पाथ डिटर्मिनेशन मतलब कि
दोनों अलग अलग नेटवर्क है फिर भी कम्युनिकेशन करवाता है, दे सकते हो? दोनों अलग अलग नेटवर्क है फिर भी कम्युनिकेशन करवाना है, ये उसका मेन पहला काम है। मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया था कि अगर आपने पिछली वीडियो कम्प्लीटली ध्यान से देखी होगी तभी ये चीज़ आपको पाँच डिटर्मिनेशन खबर पर आपको पता चल जाएगा। तो हर तरह से हम जो है राउटर जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, राउटर को स्विच के साथ भी कनेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि राउटर राउटर के साथ कनेक्ट, राउटर के राउटर साथ बहुत सारे कनेक्ट होते हैं, लाखों हजारों इंटरनेट के अंदर राउटर से राउटर भी कनेक्ट होते हैं, यहाँ पर उनकी भी इंफॉर्मेशन दूसरे राउटर के पास होती है। तो पाथ डिटरमिनेशन ये सिस्टम होती है जो एक दूसरे के अंदर डेटा को शेयर करते हैं और पैकेट के थ्रू वो एक दूसरे के अंदर डेटा सेंड करते हैं। ओके, दूसरा होता है डेटा फॉरवर्डिंग। ओके, डेटा फॉरवर्डिंग का मतलब होता है कि वो जब तक उसको रिप्लाई नहीं मिलेगा सामने वाले आगे को राउटर को भेजता जाएगा, ये दूसरा उसका मेन काम है। जब तक जैसे कि इसने लिखा www.google.com, अब गूगल का सर्वर नेटवर्क सी में है और वो बीच में जो है वो हजारों किलोमीटर की दूरी है। ओके, तो ये जो है यहाँ से निकलेगा तो क्लास ए नेटवर्क के अंदर मार्केट होगी। एयरटेल का यूज़ करता है, एयरटेल अपना सिस्टम यूज़ करता है, एयरटेल की INA जगह पर जाएगा, फिर वहाँ के USA के अंदर जाएगा, तो फिर वो डेटा वहाँ से बहुत हजारों लाखों यहाँ पर राउटर होते हैं। तो राउटर जो होते हैं यहाँ से गया, तो ये जो है एक दूसरे को डेटा आगे भेजता जाता है। जिसने जिसको डेटा भेजा वो उसी के लिए वेट करेगा, तो इसने इसको डेटा भेजा, ये इसको भेजा, इसके पास वो डेटा का कोई रिप्लाई नहीं है तो इसको भेजेगा, इसके पास रिप्लाई है तो वो यहाँ पर गूगल का लेकर फिर इसको देगा। इस तरह से जो हमारा पूरा नेटवर्क चलता है, इससे एक सेकंड में करोड़ों लाखों पैकेट लाखों डेटा जो है राउटर्स भेजते जाते हैं और रिसीव और रिप्लाई देते जाते हैं। इससे कितने डेटा फॉरवर्डिंग होती है, तो पाँच डिटर्मिनेशन और पाँच डेटा फॉरवर्डिंग समझे। तीसरा जो है लोड बैलेंसिंग, ये तीसरा बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोड बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है कि अगर राउटर के पास अगर इतना ये मेन राउटर है और उतना बहुत हीवी हाई लेवल लोड लिया तो उसका जो लोड है कोई और जो है एक एक्स्ट्रा राउटर रखा होता है इसको लोड आधा इसको दे देगा। ओके, इस तरह से ये पैकेट का सिस्टम होता है। तो पांच डिटर्मिनेशन, डेटा फॉरवर्डिंग और लोड बैलेंसिंग का होता है। अब पांच डिटर्मिनेशन क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि एक आईपी एड्रेस है और दूसरा अलग से काम अलग से क्लास का आईपी एड्रेस, अलग अलग आईपी एड्रेस है। अब ये सभी आईपी एड्रेस बहुत सारे लाखों हजारों आईपी एड्रेस चल रहे हैं इंटरनेट के अंदर, एक राउटर से बात कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो। तो यहाँ क्या होता है, हर राउटर जो है एक दूसरे के अंदर सेंड होता है, रिसीव होता है, हर तरह से वो डेटा को भेजने का काम करता है। कनेक्शन हर एक राउटर के अंदर मल्टीपल कनेक्टिविटी, हर राउटर की पोर्ट में जो भी डेटा जो भी वायर कनेक्ट किया गया है वहाँ आईपी एड्रेस और उसकी कॉन्फ़िगरेशन और उसके साथ उसका प्रोटोकॉल जो है राउटिंग करने के लिए उसको सेटअप किया गया होता है। इंटरनेट पर इस तरह से इसका एक लॉजिकल आपके सामने व्यू बता रहा हूँ। ओके, ये इस तरह से पाथ डिटरमिनेशन होता है। आप पाथ डिटरमिनेशन के मतलब कि एक राउटर यहाँ से जा रहा है, यहाँ पर डेटा भेजा है, google.com लिखा है और गूगल का सर्वर यहाँ पर, तो मैं हूँ यहाँ पर, मान के चलते कि हम दिल्ली में हैं और ये गूगल मैंने लिखा www.google.com, तो मेरा राउटर में से निकल कर एयरटेल के राउटर में गया और गूगल का सर्वर, तो जितना जल्दी पास रिप्लाई आपको मिले, जितना जल्दी डेटा गूगल के पास जाए, इस वजह से इसको पांच डिटरमिनेशन सिस्टम रखी हुई है यहाँ पर। ओके, तो जैसे सकते तो कि यहाँ पर वो गूगल गूगल घूम के यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जाएगा, इस तरह से यहाँ से भी, इस तरह से भी जाएगा। कहने का मतलब कि आपका शॉर्टकट रास्ता बनाकर वो जल्द से जल्द आपका डेटा भेजेगा, ये होता है पाथ डिटरमिनेशन। तो राउटर डिटरमिनेशन पाथ डेटा पैकेट व्हेन इट मूव फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। हम जो लिख रहे हैं www.google.com, हम है सोर्स और हमें जहाँ पर गूगल के सर्वर के अंदर पेज ओपन करना है तो हमें वो उसे कहते हैं डेस्टिनेशन। तो हमारा कंप्यूटर जो है हम एक रिक्वेस्ट भेजता है गूगल की हमारे घर के राउटर के अंदर, फिर राउटर जो है वो रिक्वेस्ट
दूसरे राउटर पर भी वैसे करके करके आगे निकल जाता है जब तक कि गूगल के सर्वर के नेटवर्क के अंदर ना आ जाए। फिर गूगल उस रिक्वेस्ट को देखता है, फिर बाद में जो है वो रिप्लाई होकर आ जाता है। तो ये कितने सारे राउटर है और कैसे एक सेकंड में आपके कंप्यूटर के अंदर जो है वो डेटा फास्ट ओपन होकर आता है। मेन चीज़ है पाथ डिटरमिनेशन, पहला ये। दूसरा, आज के टाइम के अंदर राउटर को इतना फास्ट बनाया गया है। और तीसरा कि फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी, हर जगह पर फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसकी स्पीड 10 से 100 Gbps तक हो चुकी है। तो अगर मैं क्यों कहूँ कि जितने भी कनेक्टिविटी या कनेक्शन का जो ट्रैफिक होता है उसको हैंडल करने के लिए, लोड करने के लिए उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, इस वजह से आपका स्पीड जो है 1 सेकंड में आपका गूगल ओपन हो जाता है। ओके, तो 1 सेकंड में ही आप पूरा जो ही कनेक्शन के थ्रू, इंटरनेट के कनेक्शन के थ्रू यूएसए के अंदर ही आप रिप्लाई लेकर आते हो। ये चीज़ हुई इलेक्ट्रॉनिक्स से। ओके, तो इट्स ट्राई टू फाइंड बेस्ट पाथ बाय एनालाइजिंग नेटवर्क मैट्रिक्स सच एज डिले, कैपेसिटी एंड स्पीड। ये तीन चीज़ें बहुत दिखता है पार्ट कि वो हमेशा जो है आपका डेटा लिखा है, google.com लिखा है आपने, तो वो हमेशा राउटर जो होता है वो बेस्ट पार्ट ढूंढता है। हर एक पर्सन, चाहे लाखों करोड़ों कितने भी कंप्यूटर यूज़ हो, हमेशा राउटर जो है जिसकी रिक्वेस्ट होती है फास्ट होता है फास्ट। अब मान के चलते कि फेसबुक का यहाँ पर, तो फेसबुक का जो है सर्वर लिखा है facebook.com, facebook.com लिखता हूँ तो पहले गूगल पर जाएगा। ओके, या फिर डायरेक्ट मैं फेसबुक की पेज पर ओपन करना चाहता तो वो सीधा वो जो है रिक्वेस्ट जाएगी फेसबुक के ऊपर। ऐसा आपके सामने जो है पाथ जो होता है वो आपको एनालाइज करके दिया जाता है। तो वो जो डिले टाइम भी देखता है, कैपेसिटी भी देखता है और स्पीड भी देखता है। तो राउटर की कितनी सेल्स कैपेसिटी है, मान के चलते कि ये राउटर जो है 1 सेकंड में 100 Gbps डेटा को ट्रांसफ़र करता है, कोई राउटर 10 Gbps है, कोई डिस्टेंस देखता है, वही भी बहुत कुछ जो है। ये प्रोटोकॉल्स बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल भी इसके अंदर काम होता है, जिसको डिस्टेंस देखता है हर एक राउटर के कितना डिस्टेंस के अंदर। एक राउटर मान के चलते कि यहाँ पर 1 किलोमीटर से दूसरा राउटर जो है उसकी 30 किलोमीटर के दायरे में आ रहा है, और बीच में जो भी कनेक्शन किया है फाइबर से कनेक्ट किया गया है यहाँ पर। ओके, तो ऑलमोस्ट जितने भी कनेक्शन अब जो चल रहे हैं वो फाइबर पर ही चल रहे हैं यहाँ पर, और इसकी स्पीड भी देखी जाती है यहाँ पर। ओके, इस तरह से 5 डेटा मीटर्स होते हैं यहाँ पर। देख सकते हो कि ये जो है राउटर की कैटेगरी आती है यहाँ पर। जब राउटर जिस तरह से हमारा नेट, हमारा कंप्यूटर का जो है स्विच होता है, उसी तरह से राउटर के भी अपने अपने नेटवर्क होते हैं। ध्यान से देख सकते हो यहाँ पर भी राउटर के भी नेटवर्क होते हैं। तो ये बैकबोन राउटर होते हैं। बैकबोन राउटर का क्या होता है, ये जो है मेन राउटर होते हैं पूरे नेटवर्क का। मेन कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं, जैसे कि एक एयरटेल का एग्जाम्पल देता हूँ कि एयरटेल जो है एक दिल्ली में है, एक राजस्थान में, और कुछ ऐसा बहुत इतने अलग अलग एरिया है। तो हम दिल्ली की लेते हैं बात, तो नेट ये पहला एरिया वन है दिल्ली का, नॉर्थ साइड, ये साउथ साइड और ईस्ट साइड है। क्योंकि इस तीन तरह के नेटवर्क, अब ये जो जितने भी कनेक्शन आ रहे हैं उसका जो मेन राउटर फंक्शन के अंदर भी कनेक्ट किया गया है, उसे कहते हैं मेन बैकबोन राउटर। ओके, अब ये राउटर जो है उसका जो मेन और भी बाउंड्री राउटर होता है। बाउंड्री राउटर किसे कहते हैं, ये पर्टिकुलर उस एरिया के जितने भी कनेक्शन का जो डेटा है वो सीधा एक सिंगल मेन राउटर के अंदर, और इस राउटर को मेन राउटर भी बोला जाता है। इसकी स्पीड काफ़ी फास्ट रखती है और इसकी कैपेसिटी भी बहुत फास्ट होती है। तो ऑलमोस्ट आपके टाइम के अंदर 100 Gbps का सिस्टम हो सकता है इसके अंदर। ओके, 100 Gbps मतलब बहुत सारे खास तरह के स्पीड होने की होती है, और इसी के अंदर बहुत सारे जितने भी राउटर होते हैं इसकी इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पर। ओके, एक IP एड्रेस टेबल बनाता है, तो जो यहाँ पर होगा तो वो सबको जो है सेटअप करना, सेंड करना शुरू करेगा। तो अगर आपने कंटिन्यू google.com, तो यहाँ से डेटा सीधा फटाफट यहाँ से जाएगा, ऐसा नहीं कि घूम कर जाएगा, ऐसा नहीं। हमेशा वो पाथ को, हमेशा कनेक्शन को कैलकुलेट करता है, चेक करता है, और जितना हो सके इतना फास्ट आपका डेटा जो है भेजा जाता है। ओके, दूसरा होता है डेटा फॉरवर्डिंग। डेटा फॉरवर्डिंग का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने राउटर को कोई क्वेरी दी है तो हमेशा वो कब तक जाएगा, जब तक कि वो उसको रिप्लाई नहीं मिलता। ओके, तो और राउटर फॉरवर्ड डेटा नेक्स्ट डिवाइस। देखो राउटर, किस राउटर के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो आगे दूसरे राउटर को भेज रहा है।
फिर वो उसके आगे और दूसरे को भेज रहा है, तो हमेशा वो जो है वो सेलेक्ट करता है कि कौन से पाथ में हमको रिएक्ट मिलते हैं, रीच मिलता है डेस्टिनेशन। तो PC1 से PC2 में मुझे भेजना है, तो वो जो है वो राउटर ही होता है जो हमारा डेटा को आगे भेजता है। ओके, द डिवाइस एंड राउटर में बी ऑन सेम नेटवर्क और डिफरेंट नेटवर्क। ओके, तो राउटर जो होता है वो कुछ ऐसे नेटवर्क होते हैं जो हमारे क्लास ए के नेटवर्क, क्लास सी में नेटवर्क, डिफरेंट नेटवर्क भी हो सकते हैं और दूसरे अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन सेम आईपी एड्रेस कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। ओके, नेटवर्क भले ही सेम, जैसे कि जियो का नेटवर्क है, तो जियो का नेटवर्क राजस्थान में भी, जियो का नेटवर्क गुजरात में भी है, जियो का नेटवर्क हमारे दिल्ली में भी है, MP में भी है, तो वो जो है सेम नेटवर्क होगा जियो का। ओके, लेकिन आईपी एड्रेस सेम नहीं होना चाहिए राउटर के अंदर, ये मेन चीज़ होगी। अब डिफरेंट नेटवर्क का मतलब क्या होगा कि राउटर एक तरह का, ध्यान से सुनिए, एयरटेल का राउटर है और दूसरा है जियो का राउटर। तो एयरटेल और जियो क्या करती है, मर्ज करती है अपने कम्युनिकेशन के अंदर, और वो क्या करती है अपने राउटर्स और उनके राउटर के बीच में कुछ डिफरेंट तरीके से आपको उनकी जो डील होती है, उनकी जो यूँ कही कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है यहाँ पर, कि इतने टाइम के अंदर इतने जितने भी डेटा होंगे, कितने टाइम्स के अंदर सब कुछ रीच होता है वहाँ पर जब पहुँचता है डेटा वगैरह, तो आपस में कम्युनिकेशन करवाते हैं। ओके, जैसे कि अगर आप देखो कि वोडाफोन और आइडिया दोनों मर्ज हो गई है। ओके, तो क्यों हो गई और कैसे हो गए, क्योंकि इतने सारे टावर्स लगाए हुए हैं, इतने सारे कनेक्शन लगाए हुए हैं, तो ऐसे में कैसे होता है कि वो अपने राउटर को उनके राउटर के कनेक्शन के अंदर वो ज्वाइन करवाते हैं, मतलब उसको कनेक्शन इसके अंदर। डेटा फॉरवर्डिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं कुछ, BGP प्रोटोकॉल होता है, IGRP प्रोटोकॉल होते हैं, ये दो तीन ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं जो अपने नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क को हम पहुँचाते हैं यहाँ पर। ओके, वो भी मैं कुछ समझाऊँगा अभी नहीं। तो अगर एक जियो का नेटवर्क है और उसको पता नहीं कि किसी और जाना है, तो उसको आपको बताना पड़ेगा कि कौन से दूसरे कनेक्शन के अंदर जाना है, दूसरे नेटवर्क के अंदर। तो अगर आपने बताया तभी जो है डेटा जो है वो आगे जाएगा, और अगर आपने बताया नहीं, कनेक्शन नहीं किया उसके मेन राउटर के अंदर, तो वो नहीं जाने देगा। ओके, तो यही मेन चीज़ है कि हर राउटर की उसकी पाथ और उसका आईपी एड्रेस आपको बताना पड़ता है, तभी डेटा जो है आगे भेजने का काम करता है। तीसरा होता है लोड बैलेंसिंग, डेटा रूटिंग करने, उसको डेटा रूट भी बोलते हैं। तो डेटा जो होते हैं यहाँ पर सेंड करने वाले बहुत सारे, तो रिसीव करने वाले भी आपको इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। जैसे कि डेटा को सेंड कैसे कैसे किया जाता है, तो हम जो मोबाइल ओपन करते हैं, गूगल ओपन करते हैं, यूट्यूब ओपन करते हैं, हम ओपन करते हैं वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं, इतना सारा जो कनेक्शन, जो इतना सारा जो सिस्टम जो यूज़ करते हैं, वो क्या है, वो एक तरह का डेटा बनाकर आपका, क्योंकि डेटा का आपका पूरा सेंड करते हो, उस राउटर के ऊपर लोड आता है, तो राउटर के ऊपर लोड बैलेंसिंग क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सभी को अलग अलग जगह पर, और वो फिर वो उसी के ऊपर से प्रोसेस करके आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई मिलता है। तो सम टाइम राउटर में सेंड कॉपी सेम डेटा पैकेट बाय यूजिंग मल्टीपल डिफरेंट पाथ। ओके, तो राउटर के पास अगर ओवरलोडिंग सिस्टम होती है, ओवरलोड हो जाता है, मतलब उसके पास बहुत सारा डेटा, वो कॉपी सेम जो है वो डेटा दूसरे राउटर्स को भेज देता है डिफरेंट पाथ्स के थ्रू। ओके, इस डोज नॉट रिड्यूस एरर, रिड्यूस एरर मतलब कि उसको जल्दी एरर नहीं, हम जो है एरर जो है कम हमें मिलते हैं और डेटा भी लॉस बहुत ही कम होते हैं, इस वजह से जो है हमारा क्रिएट रिलेंसी हमारा होता है यहाँ पर। ओके, और हम ट्रैफिक को बहुत ही हम मैनेज कर पाते हैं। ओके, इस वजह से तीन चीज़ें आपको ये चीज़ समझनी होती है कि कभी भी राउटर जो होती है, क्योंकि लाखों इंटरनेट पर होती है, तो राउटर जो होती है, हज़ारों राउटर, जितने भी राउटर होते हैं, उनके ऊपर जैसे जैसे लोड बढ़ता है, तो वो क्या करता है कि अपना डेटा का कॉपीज जो है दूसरे और राउटर को वो भेज देता है, फिर वो राउटर जो है वो अपने तरीके से वो डेटा को क्वेरी ढूंढते हैं, उस राउटर का रिप्लाई देते हैं, और फिर राउटर क्या होता है दूसरे को जो है उसको रिप्लाई भी देते हैं। इस वजह जो है हमें एरर बहुत ही कम मिलती है, डेटा भी बहुत कम लॉस होता है, और हमें रिप्लाई भी अच्छी तरह से मिलता है। इस वजह से 4G 5G क्यों आया, क्योंकि हमने लोड बैलेंसिंग करने की जो डिवाइसेस जो है काफ़ी बेहतर और काफ़ी हाई लेवल की, उसकी जनरेटिंग पावर, मतलब कि राउटर जब काम करता है, उसकी प्रोग्रामिंग काम करती है, जब उसकी कैपेसिटी बढ़ाई, तब जाके जो है काफ़ी हाई रिडेंसी, हाई लेवल की ट्रैफिक सिस्टम, हाई लेवल की ट्रांसफर डेटा की, इसको रूटिंग बोलते हैं, राउटिंग मतलब कि राउटिंग भी बोल दे सकते। तो डेटा राउटिंग करने का काम ये बहुत ही
एग्जाम्पल आपके लिए अच्छा है, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। तो रूटिंग कितनी तरक्की होती है और क्यों रूटिंग करवाते हैं, डेटा को रूटिंग क्यों कहते हैं, और भी हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू, हैव नाइस टाइम, कंटिन्यू ऑन दिस। तो कितने तरह की राउटिंग होती है, ओके, जो डेटा को रूट करवाती है, डेटा के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर भेजती है, तो मैं आपको समझाऊंगा, ओके। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना भूलें। और अगर कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है, ओके। तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है, कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी, कंट्रोल पैनल क्या होता है, ओके। और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर, ओके। तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर, ओके। तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर, ओके। तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए, ओके। तो ये पुराने आपके लिए, और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायर वॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा, ओके। एंड्रॉयड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करते बहुत सारा कुछ वीडियोज मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही कि यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें, ओके। तो सभी वीडियोस भी होती है पार्ट वाइज होती है, ओके। तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी, ओके। और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है, क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्ले लिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव नाइस डे, नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा, ओके। तो थैंक यू।